सर्वभूतेषु मां सिद्धिरूपेण संस्कृता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कनिष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की खास पेशकश में आए नवरात्रे माता के। आज का दिन है नवरात्र का नौवां दिन, नौवां स्वरूप यानी कि सिद्धि माता का स्वरूप, सिद्धि रूपेण संस्कृता। तो सिद्धि रूपी आज हमारी माता है, जो आज नौवां दिन है, नौवां नवरात्र है और कन्या पूजन का दिन भी कहा जाता है। तो आज हमारे बीच में आज के दिन को और कैसे सफल बना सकते हैं माँ की पूजा के लिए। कहते हैं जैसे शुरुआत का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आखिरी दिन बहुत ज़रूरी होता है। आज नवरात्रे का आखिरी दिन, नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का। और आज हमारे बीच में आप सभी को राशि के जातकों को बताने के लिए कि किस तरीके से क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सारे नवरात्रे सफल हो, और क्या क्या चीज़ें माँ को अर्पण करनी चाहिए जिससे माँ के सिद्धि रूपेण, माँ के सिद्धि की, माँ सिद्धि का आशीर्वाद आपको मिल पाए, इस चीज़ की चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे, आज का दिन जैसे नौवां दिन है पंडित जी, नौवां दिन है, आखिरी दिन बोला जाता है, कन्या पूजन का दिन भी बोला जाता है, माँ सिद्धि रूपी का दिन है। क्या है माँ का अवतार, किस तरीके से माँ को पूजा जाता है, क्या है अर्थ माँ सिद्धि का? जी, जय माता दी। दर्शकों, माँ भगवती आदिशक्ति जगत जननी आप सभी का कल्याण करे, आपके जीवन में मंगल करे। वो देखो शेर पे बैठ के मेरी मात जा रही है, वो देखो शेर पे बैठ के मेरी मात जा रही है, कन्या का रूप रख कर आज विदा चली है, कन्या का रूप रख कर आज विदा हो चली है। शुक्ल नौमी, नौमा नवरात्रा, आज आखिरी नवरात्रा आज दर्शकों, आज सिद्धिदात्री का दिन है, आज कन्या पूजन भी किया जाता है। ये देवी कमल पर विराजमान है और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, पान के पत्ते के आकार का मुकुट धारण करती हैं, नाना तरह के आभूषण धारण करती हैं, मणि रतन और मोतियों की माला माला पहनती हैं, कभी न मुरझाने वाली माला इनके गले में धारण होती है। संसार की सभी शक्तियाँ, सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं, गुलाब का फूल व लाल रंग माँ को अति प्रिय है। इनके 8 हाथ हैं और इनके हाथों में दिव्य अस्त्र और शस्त्र विराजमान हैं। अन्नपूर्णा योगमाया, राधा रुक्मिणी व सीता माता इनकी अवतार मानी जाती हैं। जैसा नाम है, नाम से ही पता चलता है सभी प्रकार की सिद्धियां माता कर के पास हैं। ये माता 8 सिद्धियों की दात्री हैं। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव की आधी देह देवी की हो गई थी और वे अर्ध नारीश्वर कहलाए। ये देवी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजनीय हैं। माँ सिद्धि दात्री ने हनुमान जी को भी सिद्धियाँ प्रदान की थीं। जैसे कि सुना होगा, अष्ट सिद्धिनो निध के दाता, ये हनुमान जियों को भी उन्होंने, माता ने सिद्धि प्रदान की थी। और ये माता अन्न का भोग इनको लगता है और ये जीवन में संपूर्णता व्यक्ति को प्रदान कराती हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर ये व्यक्ति के घर से विदा होती हैं। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि माँ सिद्धदात्री का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, किस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, किस तरीके से माँ का नाम है और किस तरीके से माँ ने सिद्धियाँ दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं आज का दिन कन्या पूजन का दिन है और साथ ही साथ में हमारा आखिरी नवरात्र है, नौवां दिन। तो क्या है राशि के जातकों के लिए, 12 राशि के जातकों के लिए कैसा दिन है, क्या है और किस तरीके क्या उपाय करने से अपने इस नवरात्र को सफल कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले राशि से, जो है हमारी मेष राशि। पंडित जी, मेष राशि के जातकों को आज के दिन के लिए, नौवें नवरात्र के लिए क्या उपाय और क्या चीज़ें करनी चाहिए? दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर जैसे कि माता का प्रसाद बनाना है, माता का प्रसाद बनाकर किसी मंदिर के बैठे हुए मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्तियों को
बांट के जरूर आना चाहिए, विशेष लाभ होगा। जय माता दी। चलिए दूसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आज का दिन, नौवा दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन है जो, उसको सफल बनाया जा सके। जी, दर्शकों को बताना चाहूँगा, वृष राशि वाले जातकों को थोड़े आलू खरीद लें, और आलू खरीदने के बाद किसी कहीं भंडारा हो रहा हो तो अपने हाथ से आलू का दान करें, विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी, चलिए तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को किस तरीके से अपने नवरात्र के नौवे दिन को, माँ सिद्धदात्री के दिन को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए और क्या विधि से पूजा करनी चाहिए? जी, जिन व्यक्तियों की मिथुन राशि है, पालक का दान और हरे धनिये का दान, ये किसी भंडारे में दान करें, आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को किस तरीके से नवरात्र के नौवे दिन को, माँ सिद्धदात्री के दिन को सफल बनाना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे माँ सिद्धदात्री का आशीर्वाद उन पे बना रहे? जी, कर्क राशि वालों के लिए जैसे कि नवरात्रों के अंदर कहीं पर दूध और चावल का दान अपने हाथ से कर दें भंडारे में, आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी। राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को किस तरीके से माँ सिद्धदात्री की सेवा करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए और आज के दिन को सफल बनाए जिससे? सिंह राशि वाले जातकों को चीनी का दान और गुड़ का दान, ये विशेष लाभ देने वाला है। जय माता दी। चलिए अगली राशि है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को किस तरीके से माँ सिद्धदात्री की सेवा अर्चना करनी चाहिए, पंडित जी से जानेंगे। कन्या राशि वाले जातकों को किसी गौशाला में जाना चाहिए और हरे चारे का दान करना चाहिए, हो सकता है जैसे गाय के लिए खर या बनौले या भूसा, इसका दान करें, विशेष लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि हमारी तुला राशि। तुला राशि के जातकों को किस तरीके से माँ की सेवा अर्चना करनी चाहिए जिससे माँ सिद्धदात्री की आशीर्वाद मिले, उनकी छत्र छाया में बनी रहे और उनके घर में धन धान्य और समृद्धि की वृद्धि हो, तो पंडित जी से बताएंगे। किसी मंदिर में जाकर घी का दान करें और कपूर का दान करें, बहुत लाभ होगा। जय माता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरीके से माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आज नौवे दिन के लिए क्या चीजें दान देनी चाहिए? जी, तरबूज खरीद लें कहीं से, तरबूज खरीद लें और किसी माता के मंदिर में चढ़ा के आए और माता से कहें कि माता रानी मेरी पूरी मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हों, लाभ होगा। जय माता दी। जी, अब हमारी है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए जो पिछले 8 दिनों में नहीं कर पाए, आज के दिन नौवे दिन माँ की कैसी आराधना करनी चाहिए जिससे नौके दिन सारे सफल रहे? ऋतु फल खरीद लें, 5 प्रकार के ऋतु फल खरीद लें और ऋतु के फल खरीदने के बाद में उनको माता रानी पर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में जो अस्वस्थ लोग हों उनको जाकर बांट दें या बच्चों में बांट दें, विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी, अगली राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों को क्या चीजें करनी चाहिए जो पिछले 8 दिनों में नहीं करी, नौ दिन, नौवा नवरात्रा और माँ सिद्धदात्री का दिन, किस तरीके से माँ की अर्चना करनी चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए? पंडित जी, अपने घर के अंदर कड़ी चावल का बनवाएं और बनाकर विष्णु भगवान के और लक्ष्मी के सामने भोग लगाएं और छोटे छोटे बच्चों में ये बांट दें, विशेष लाभ होने वाला है। जय माता दी। जी, अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए क्या सेवा भाव से क्या अर्चना करनी चाहिए, किस चीज का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, पंडित जी से जानेंगे। जी, काले उड़द की दाल बनाएं, जैसे काले उड़द की दाल बनती है और थोड़ा चावल बनवा लें, चावल और काले उड़द की दाल का भोग लगाएं और गरीबों में जाकर बांट दें, विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी, चलिए अगली राशि यानी कि हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए, किस तरीके से कन्या पूजन करना चाहिए जिससे माँ सिद्धदात्री का आज का दिन जो है नौवा दिन वो सफल हो और पिछले 8 दिन में जो भी कोई भूल हुई हो उसकी क्षमा याचना हो पाए? जरूरतमंदों को अपने हाथ से, अगर आपके पास पैसा है, किसी बच्चे को
लोही की साइकिल खरीदवा दें, किसी बेटी को साइकिल खरीदवा दें, आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को नौवें दिन नवरात्रि के दिन यानी कि माँ सिद्धदात्री के नौवें दिन के लिए, नौवें स्वरूप के लिए कैसी पूजा आराधना करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनके नौ के नौ नवरात्रि सफल हो पाए। मीन राशि वाले वैसे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, फिर भी बहुत साधारण साधन है। जिस बच्चे को किताबों की ज़रूरत हो, वो नहीं खरीद पा रहा, तो उसको वो किताबें खरीदवा दें, आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी। तो देखा आपने, पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से हम उपाय कर सकते हैं आज के दिन, क्या चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमारे नौवें दिन यानी कि माँ सिद्धदात्री के दिन को और ज़्यादा सफल बनाया जा सकता है, माँ की कृपा मिले, माँ की दृष्टि हम पे बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हम पे बना रहे। इसी के साथ में हम विदा लेते हैं आप लोगों से और पंडित जी से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पंडित जी आपका। जय माता दी। आपने हमारे जातकों को, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से वो अपने नौ के नौ दिन माता के चरणों में अर्पण कर पाए अपने आप को और किस तरीके से अपने नवरात्रों को सफल कर पाए। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। जय माता दी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।